ये हाथी से प्रभावित हम लोगों का भी विधानसभा क्षेत्र है। इसमें माननीय मंत्री जी ने जो 11 प्रकार से हाथियों के बचाव के उपाय बताए हैं, उसमें से मैं उनसे 6वें नंबर के उपाय के बारे में और 11वें नंबर के बारे में प्रश्न पूछना चाहता हूं। 6वें नंबर में आपने लिखा है माननीय मंत्री जी, ग्रामीणों को किन किन गांवों में हाथी विचरण की संभावना है कि पूर्ण जानकारी आकाशवाणी कार्यक्रम हमर हाथी अमर गोट के माध्यम से प्रतिदिन 5:05 पे अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित किया जाता है। जी, मैं इसमें यह पूछना चाहता हूं कि आकाशवाणी तो प्रसारित कर रहा है, लेकिन वहां के गरीब वनवासियों के पास तो रेडियो नहीं है, तो कैसे सुनते होंगे? थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। मैं दोनों बात एक संग दे दीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए। आपके पास तो बहुत सा फंड है, वो हाथी एरिया जो प्रभावित है उनको प्रत्येक परिवार में एक एक रेडियो आप अपने विभाग की तरफ से दे दीजिए, तब तो आकाशवाणी से वो लोग हमर हाथी हमर गोट सुनेंगे। दूसरा 11वां नंबर को जरा पढ़िए अध्यक्ष जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हाथी का खतरा बहुत पैदा होता है। ऐसे सामग्री जिनकी गंध हाथियों को रहवास स्थलों की ओर आकर्षित करती है को हाथी के आने की संभावना होने पर सुरक्षित स्थानों में परिवहन कराकर रखा जाता है। मतलब हाथी के गंध की शक्ति इतनी तेज है कि अगर किसी भी घर में चावल, मऊहा या और कोई भी चीज होगा तो ठीक वो उसी कमरे को तोड़ता है जिसमें ये रहता है, बाकी किसी रहने वाले कमरे को, कपड़े वाले कमरे को या बर्तन वाले कमरे को नहीं तोड़ता है। तो मेरा मतलब है, बार बार जैसे आपने कहा उनको उठा के ले जाते हैं फिर पहुंचा देते हैं, उसके बजाय अगर आप उनको कोई ऐसा बर्तन दें जिसमें उसकी गंध बाहर न जाए, या ऐसा कोई कोठी दें जिसमें उनका अनाज वहीं घर में रहे और उसकी खुशबू हाथी तक न पहुंचे, तो क्या रेडियो और ये बर्तन, इन दोनों ही दिशा में आपका विभाग विचार करके हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को ये देने का काम आप करेंगे क्या? आदरणीय धर्मवीर भैया, आपके पीछे वाले नाराज ना हो जाए कहीं जी, आपके पीछे वाले आप नाराज ना हो जाए। माननीय मंत्री जी क्या बोले? आपके पीछे वाले नाराज ना हो जाए देख के बोलिए। नहीं नहीं, वो तो उन्हीं के तो इंतजाम की बात कर रहा हूँ भाई, तो प्लीज प्लीज थोड़ा बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीणों को किन किन गांव में हाथी विचरण की संभावना है इसकी जानकारी हमर हाथी हमर गोट के द्वारा दी जाती है, लेकिन केवल इतना ही नहीं किया जाता। हाथियों के आगमन की जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर इंटरनेट का उपयोग करके प्रभावित गांव में एलिफेंट अलर्ट सिस्टम, बाकी मैं पूरा पढ़ लिया हूँ। मैंने क्रमांक 6 के परिपेक्ष में आपसे मांग की और क्रमांक 11 के परिपेक्ष, एक बार सुनिए ना, बाकी आपका 1 से 11 में पूरा पढ़ लिया हूँ, अभी 15 मिनट वही कर ही रहा। नहीं, जवाब तो सुनिए ना। जी, मेरा ये कहना है कि केवल हमर हाथी हमर गोट कार्यक्रम से ही पूरा सिस्टम बन गया है ऐसा नहीं है, अनेक उपाय हैं जिसका समय समय पर पालन किया जाता है। अब आपने कहा कि ऐसे सामग्री जिसकी गंध हाथियों को रहवास स्थलों को आकर्षित करती है, हाथी आने की संभावना होने पर सुरक्षित स्थानों में परिवहन कराकर रखा जाता है। हाथियों के जो सूंघने की शक्ति है वो इंसान से 20,000 गुना अधिक है, तो मैं खुद बोल रहा हूँ। हाँ, और ऐसी स्थिति में ये आपने जो कहा कि ऐसी कोई व्यवस्था बनाए कि वो गंध बाहर ना जाए, ये कैसे संभव है? ये व्यवहारिक नहीं है। चलिए सौरभ जी, आप अगर उसमें, एक मिनट सर, अगर आप उसमें कोशिश करेंगे, जो खुले में पड़े रहता है उसकी गंध सीधे पहुंच जाती है, अगर बर्तन में रहेगा तो वो गंध कम जाएगी। और हाथी के तो पैर में सेंसर भी लगा है मंत्री जी, वो तो जब रेलवे ट्रैक क्रॉस करता है तो अपना एक पैर रख के पहले देखता है कि इधर से ट्रेन थोड़ी आ रही है, इधर से, उसके बाद वो सूंड़ लगाता है उसमें और सूंड़ से देखता है, तब वो रेलवे ट्रैक क्रॉस करता है। तो हाथी के क्षमता को तो आप 22 साल पहले जहां हो जाता है वहां फिर वो पहुंच जाता है। उसकी याददाश्त भी बहुत तेज है, काया भी बहुत विशाल है, उसके कान वान भी बड़े बड़े हैं, तो उसके उससे तो तुलना हो ही नहीं सकती। अगर वहां पर कोई बर्तन वर्तन देने का प्रावधान हो, बहुत ज्यादा खर्चा तो नहीं आता है एल्युमिनियम के बर्तन में, विचार करिए ना, हो सकता है शायद कम हो जाए। विचार कर लीजिएगा, एल्युमिनियम के बर्तन में मैं समझता हूँ कि खुशबू बाहर निकलती होगी, स्टील की बर्तन हो तो एक बार समझ सकता हूं कि नहीं निकलेगी। चलिए सौरभ जी, माने अध्यक्ष।